पढ़ाई में उसने प्लस टू किया हुआ है कि सातों के साथ नाम लेकर जो बच्चा का जो जुनून बढ़ता है उसने बच्चे ने करना चाहिए। राम भाई साहब, मैं थला भाई धनराजा लाता चुका डिगल में। भाई डिगल की छोड़ी ने झंडे गाड़ दिए है, पूरी दुनिया में नाम कमा दिया है। क्यूकर कमाया के कारण है जानेंगे। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी उसके ऊपर झंडा फहरा गई है छोरी डिगल गांव की रानी अलावत। तो हमारे साथ उनकी माता जी पूर्व सरपंच सतवंती जी जुड़ चुकी हैं। हम आपको बता दें इस लड़की को पालन पोषण में सतवंती जी और उनके गुरु जी जो आज ये इस मुकाम पर पहुंची है उनका अहम योगदान है। नमस्कार जी प्रधान जी। प्रधान जी क्या बताना चाहोगी, जो रानी अलावत है आज अफ्रीका महाद्वीप में तिरंगा फहरा के आई है उसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को थोड़ा। ये उनका सर्वदे अपने मन था विचार था कि मैं कुछ से इस देश के खतर करना चाहूँ। उसने फिर अपना मन बना लिया, उसने किसी तरीके से अपना ये मन बनाकर उसने नहीं किया कि मैं अपने ऊंची चोटी पर चढ़कर अपना देश का नाम रोशन करना चाहूँ। तो किस प्रकार प्रेरणा किस प्रकार मिली उन्हें, आपसे प्रेरणा मिली, उनके गुरु जी से मिली या क्या? उन्होंने अपने गुरु जी से प्रेरणा ली। आपका परिवार भी गरीब ही है तो हमने देखा है, तो किस प्रकार पालन पोषण किया आज इतनी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहरा के आई है, तो पूरी कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए आज गर्व का विषय है। तो क्या बताना चाहोगी हमारे दर्शकों को, आज जिस मुकाम पर है उसमें सबसे अहम योगदान किसका है? हमने तो उसे पढ़ाई लिखाई का संस्कार दिया था, अच्छे विचारों का दिया था, और हमें अपने जमींदारा कर कर अपने वो किसान खेती करके अपने मेहनत से पाली थी। अगर मैं आगे पढ़ लिख कर कुछ मेरा बच्चा कुछ करना चाहे बनाना चाहे तो मैं बहुत खुश होंगी। सतवंती जी कभी डर नहीं लगा कि आपकी लड़की इतनी ऊंची चोटी पर कैसे चढ़ेगी? मतलब क्योंकि माता पिता जो होते हैं वो कहीं ना कहीं भावुक होते हैं, तो घबराहट इस प्रकार की नहीं हुई आपको कि हमारी लड़की इतनी ऊंची चोटी कैसे चढ़ेगी? क्योंकि आप माँ हो, तो माँ होने के नाते थोड़ा बताइए हमारे दर्शक। नहीं नहीं मैंने तो खुश हो रही हूँ, और मैं तो ऐसे बोली हूँ कोई नहीं, जो भगवान के भरोसे भगवान का नाम लेकर जो बच्चा का जो जुनून बनता है वो उसने बच्चे ने करना चाहिए, और वो अपने मैंने तो उसको हौसला बुलंद कराया है। अब तू जो भी तेरा जी करे वो कर, मैं तुम्हारे साथ। सतवंती जी ने जिस प्रकार बताया कि हमेशा उसको सपोर्ट किया है, और उसी सपोर्ट का आज नतीजा है कि जो रानी अलावत है आज अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहरा के आई है। उसने अपना मन बना लिया था कि मैं भी देश एक लड़की होने के नाते निडर होके मैं अपने देश का नाम रोशन करना चाहूँ। तो कितना गर्वान्वित, कितनी खुशी हो रही है कि आज आपकी लड़की ने कहीं ना कहीं पूरे देश का नाम चमका दिया है, और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर जो तिरंगा फहराने का काम किया उसके बारे में क्या कहना चाहोगी, कितनी खुशी हो रही है आप लोगों? मैं तेन कहूँ अगर सरकार से सहायता मिले तो मेरी लड़की सातों के सातों चोटियां करे तो मैं बहुत ज्यादा खुश रहूंगी। भाई ऐलान कर दिया सतवंती जी ने, पूर्व सरपंच सतवंती जी ने ऐलान कर दिया है, अगर सरकार इनको सपोर्ट करती है तो दिन दूर नहीं जब इनकी लड़की रानी अहलावत सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का कार्य भी करेगी। और बताइए सतवंती जी उनके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को, किस प्रकार का इंटरेस्ट है, मतलब खेल के अलावा और भी पढ़ाई में किस प्रकार की है लड़की? पढ़ाई में उसने प्लस टू किया हुआ है, होशियार है। हाँ होशियार है, शुरू से इंटेलिजेंट है। शुरू से पढ़ाई में भी इंटेलिजेंट है, खेल में तो इंटेलिजेंट है। माँ उस अपना जो काबिलियत है झंडा फहरा गया अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी झंडा फहरा गया दिखा दी है, और भाई पढ़ाई में भी नुमाले टॉप पर है छोरी। भाई निकल गाँव की छोरी ने नुमाले कमाल कर दिया है। सारे भाई वीडियो शेयर करियो।